Good morning, students. How are you? Hope you all are fine at your homes. Now, let's start with our next topic of the chapter, sericulture, that is the pest and the diseases of the silkworm. Students, this chapter is very important from examination point of view. Today, I have sent you some papers of different question papers of different papers. So, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और उसमें देखना आपने कि इस चैप्टर में से जो है वो हमेशा ही एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आता है. सॉरी. तो ये आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इस पूरी बुक में यही एक चैप्टर है जो थोड़ा सा टिपिकल है, जिसमें कि कुछ स्पेलिंग्स जो आएंगी, साइंटिफिक नेम्स आएंगे, वो स्पेलिंग के ऊपर आपने फोकस करना है और लर्न करने वाला डाटा जो है वो इसी चैप्टर में है. ठीक है, बाकी जो है वो आप थोड़ा आगे पीछे भी लिख देंगे तो ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चैप्टर में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वर्ड टू वर्ड जो है वो लर्न करनी होगी. जैसे कि नेम्स ऑफ द पेस्ट है, पैरासाइट्स है, कौन सा डिजीज कॉज करता है, कौन सा कॉजिटिव एजेंट्स है और उसके मेन जो डिजीज कॉज करेगा उसके सिम्टम्स क्या है, तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से लर्न करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज पेस्ट? फर्स्ट, पेस्ट इज व्हाट? पेस्ट इज अ एनिमल और अ प्लांट विच डेट्रीमेंटल टू द ह्यूमन और ह्यूमन कंसर्न. ह्यूमन या ह्यूमन कंसर्न कोई भी लाइफ स्टॉक है या क्रॉप्स है या फॉरेस्ट्री है, किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने वाला एनिमल या प्लांट जो है वो हमारे लिए क्या होगा? पेस्ट होगा इफ इट कॉजेज डैमेज अबव द इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल. एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा अगर हमें नुकसान पहुंचता है तो हम उसे पेस्ट में कैटेगराइज जो है वो कर देते हैं. ठीक है, तो ये पेस्ट जो है, जैसे कि हम अभी जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा सेरिकल्चर है, तो इसमें हम देखेंगे कि सेरिकल्चर में कौन कौन से पेस्ट और पैरासाइट्स हमें देखने को मिलेंगे. सो फर्स्ट इज द ऊजी फ्लाई, सेकेंड इज द डोमेस्टिक बीटल एंड देर आर सम वर्टिब्रेट्स ऑल्सो. तो बेटा ये जो लेसन है इसमें पेस्ट ऑफ सिल्क वॉर्म आएगा आपको, उसके बाद पेस्ट ऑफ आपको मलबरी प्लांट आएगा. तो कंफ्यूजन जो है वो बच्चे हमेशा हो जाते हैं इसके बीच में कंफ्यूज कि पेस्ट ऑफ सिल्क वॉर्म में आप पेस्ट ऑफ कई बार मलबरी प्लांट के जो है वो मेंशन कर देते हैं. तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है, बहुत ध्यान से आपने करना है. ये आपकी मॉडर्न की बुक में आगे टेबल्स दिए हैं, उन टेबल्स को आपने सबसे पहले अच्छे से लर्न करना है. जब वो टेबल्स लर्न हो जाएंगे तो आपको सारी की सारी थ्योरी जो है वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी. सो फर्स्ट पेस्ट इज द ऊजी फ्लाई एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज एक्सोरिस्टा सॉर्बुलेंस. सो because it is a fly, you all know that all the flies they belong to the order Diptera. जैसे आपकी house fly Diptera order को belong करती है, it also belong to Diptera and the family is Technidae. तो ये कुछ typical terms है जो आपको learn करने पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये question हमेशा ही हमें आता है. And if we talk about India, India में अगर हम ऊजी fly की बात करें, so Exorista bombensis is the ऊजी fly which affects the silkworm in India. Now, what is the mode of infection? This fly that attacks the silkworms. ये silkworms को attack करती है with the help of chemicals called as the कैरोमोन्स. कैरोमोन्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंट्रैक्शन होती है और जो एमिटर होता है इन केमिकल्स को जो रिलीज करता है उसे खुद को नुकसान पहुंचता है, जबकि जो रिसीवर होता है दैट इज ऑलवेज बेनिफिटेड बाय दिस chemicals. So with the help of these chemicals the oozy fly that locates its host within 30 seconds वो यहां पर पहुंच जाती है और fly जो है वो अपने eggs जो है सिल्क वॉर्म की स्किन को पार्ट्स करके अपने eggs जो है इसमें ले कर देती है. eggs ले करने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद ही जो eggs है वो हैच कर जाते हैं और उसमें से maggots, you all know the larva of the fly is called as the maggot. ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई के लावा को मैगेट बोलते हैं वैसे ही ऊजी फ्लाई के लावा को भी हम क्या कहेंगे, मैगेट ही कहेंगे. सो द मैगेट्स जो रिलीज होंगे दे विल इफेक्ट ऑल द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द सिल्क वॉर्म एक्सेप्ट द सिल्क ग्लैंड्स. ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगे और काफी ज्यादा डैमेज जो है वो क्रॉप को मिलता है. अप्रॉक्सिमेटली 10-15% ऑफ डैमेज इज कॉज टू द क्रॉप. नाउ हाउ वी डायग्नोज देम, व्हाट आर द सिम्टम्स? यू सी देयर आर सम ब्लैक स्पॉट्स सीन on the bodies of the worms which are affected by the oozy fly. तो कुछ black black से spots आपको नजर आते हैं और कई बार cocoon जो है हमारा जो cocoon होता है उस cocoon के ऊपर की apical part पे कुछ holes से नजर आते हैं. इन holes से जो है आपके maggots बाहर नजर आते हैं. सो कुछ एक symptoms हैं जिसकी वजह से हम oozy fly को detect कर सकते हैं कि that our caterpillars are affected by the oozy fly. Now next is your डोमेस्टिक बीटल.
Dermastid beetles, beetle, they all belong to the order Coleoptera, and the family here is Dermastidae. Now these beetles, they affect the adults as well as your larvae. ठीक है, तो ये beetle आप जानते हैं beetles क्या होते हैं. ये beetles जो हैं ये भी affect करेंगे, और इनके जो grubs होते हैं, grubs यानी कि the larva of the beetle is the called as the grub. They attack the cocoon. कुकून स्टोरेज हाउस को ये बेसिकली इफेक्ट करते हैं और जाके वो डैमेज कॉज करते हैं, एग्स ले कर देंगे और फिर कुकून की क्वालिटी को जो है वो डिग्रेड करेंगे. और कुकून हाउस से पहुंचते हुए ये आपके जो है वो अगले जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन कुकून से जो बनेगी वहां तक भी ये पहुंच जाते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो कॉजेज डैमेज अप्रोक्सीमेटली 16.2% टू द क्रॉप. नेक्स्ट आर दी अदर वर्टिब्रेट होस्ट पेस्ट. बाकी वर्टिब्रेट पेस्ट की बात करें बेटा तो रैट, स्क्विरल्स, बर्ड्स, तो आप जानते हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि किसी भी तरह के वर्म्स को जो है वो अपना होस्ट बना लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए इन वर्टिब्रेट होस्ट से बचने के लिए जो आपके रूम्स होते हैं जहां पे सिल्क वर्म की रेयरिंग हो रही होती है वहां पर जो विंडोज हैं उसमें प्रॉपर मैश लगे होने चाहिए, वायर मैश होना चाहिए, और डोर्स भी जो है वो प्रॉपरली बंद होने चाहिए ताकि ये स्क्विरल्स, बर्ड्स, रैट्स वगैरह जो है वो इजिली ना आ सके. नाउ नेक्स्ट आर द डिजीजेस. ठीक है, डिजीजेस कौन कौन से हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेस टू द सिल्क वॉर्म इज द ग्रासरी, फ्लैचरी, मस्कडाइन एंड द पेब्राइन. सो ग्रासरी डिजीज, गैस्ट्रिक डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस. सो ये जो वायरस है ये कैसे आएगा, कि कैसे पहुंचा हमारे सिल्क वॉर्म तक? इट कम्स टू द सिल्क वॉर्म बाय व्हेन द सिल्क वॉर्म ईट्स द कंटामिनेटेड मलबरी लीव्स. अगर हम मलबरी लीव्स की प्रॉपर चेकिंग ना करें और मलबरी लीव्स जो है अगर उनमें ये वायरस प्रेजेंट होगा तो वो वायरस जो है वो मलबरी लीव्स के थ्रू आपके सिल्क वॉर्म तक भी जो है वो आ जाएगा. अब हम सिम्टम्स की बात करें, कैसे हमारा जो है सिल्क मॉथ जो है, सिल्क वॉर्म जो है वो इससे अफेक्ट होगा. द सिल्क वॉर्म सो अफेक्टेड दे बिकम शाइनिंग. ठीक है, एंड दे फेल टू मोल्ड. उनकी मोल्डिंग नहीं होगी, उनकी बॉडी जो है देख रहे हैं आप शाइनिंग जैसी होती है. अदरवाइज जो डस्की सा कलर होता है, क्रीमिज सा कलर होता है सिल्क वॉर्म का, तो शाइनिंग से हो जाएंगे. और जो इंटर सेगमेंटल रीजन है यहां पर भी जो है हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी. द इफेक्टेड लार्वा इट मूव्स रेस्टलेसली इन द रियरिंग बेड. सॉरी, नाउ नेक्स्ट इज द फ्लैचरी डिजीज. फ्लैचरी डिजीज इज कॉज बाय अ वायरस एज वेल एज द बैक्टीरिया. द वायरस विच कॉज द फ्लैचरी डिजीज इज योर वायरसेज सच एज द डेंसोन्यूक्लियोसिस वायरस. वेर एज सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो देयर विच कॉजेज द फ्लैचरी डिजीज. दीज आर द स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस थुरिनजेंसिस एंड सेरेशिया. सो बेटा ये कुछ नेम्स हैं जो आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे. इसमें आप कोई भी जो गलती है वो नहीं करेंगे, अदरवाइज ये जो है मार्क्स कट जाते हैं इसमें, क्योंकि टिपिकल सा नेम है और ये एग्जामिनर को भी जो है हमेशा याद होते हैं. तो आप ये सोचेंगे पता नहीं चलेगा तो आप वो मिस्टेक हो जाएगी आपसे. ठीक है, तो प्रॉपरली इसको लर्न करना है और इसको अच्छे से आपने टेबलो फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाद में. नेक्स्ट इज योर What are the different symptoms? अगर हम symptoms की बात करें बेटा तो larva that become soft, flaccid, they vomit out their gut juices and the most important the rectal protrusion. ये आप देख रहे हैं diagram में भी दिखाया हमें कि जो rectal area है वहां पर protrusions ही जो है नजर आती है. So this protrusion is specific to the disease called as the which is caused by the these pathogens, that is the bacteria and virus, and the disease is the flatulent disease. Now दीज वायरसेस, जो ये वायरस और बैक्टीरिया इसको अफेक्ट करेंगे, ये इसकी जो है बड़ी फाउल सी स्मेल आती है. ठीक है, डेथ के बाद जब इनकी बड़ी फाउल सी स्मेल आएगी तो उससे भी हमें जो है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज द मस्कडाइन डिजीज. दिस मस्कडाइन डिजीज इज कॉज बाय द ब्यूवेरिया बेसिनिया एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हाइट मस्कडाइन. ठीक है, तो ये भी कैसे ये भी जो है कैसे डिजीज आपके सिल्क वॉर्म तक पहुंचा? इट अगेन रीचेस बाय द कंटामिनेटेड लीव्स. कंटामिनेटेड लीव्स होंगे या आपके जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं अगर वो कंटामिनेटेड होंगे तो आपके जो लार्वा है वो भी इस डिजीज से जल्दी से इफेक्टेड हो जाएंगे. एक और ये बात बता रहा हूं मैं भूल गई कि जो फ्लैचरी डिजीज है ये फ्लैचरी डिजीज भी कंटामिनेटेड लीव से ही पहुंचता है. तो
अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें जो फीड देनी है यानी कि जिन लीव्स से हमने अपने सिल्क वॉर्म को फीड करना है वो भी हमें प्रॉपरली चेक करने हैं। अगर लीव्स अफेक्टेड होंगे तो उन्हें खाने वाले वॉर्म्स भी इफेक्टेड होंगे और हमारी जो क्रॉप है अल्टीमेटली उसको भी इफेक्ट होगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ द मस्कटाइन डिजीज। ड्यू टू दिस डिजीज द लार्वा दे लूज देयर एपेटाइट, दे बिकम इनएक्टिव, ठीक है, और वो भी अपने जो गट कॉन्टेंट्स है उसको वॉमिट आउट करते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम व्हाइट मस्कटाइन भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज जब हमारा सिल्क मॉथ जो है उसकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद वो मम्मीफाइड सा हो जाते हैं, देख रहे हैं आप, दिस इज कॉज बाय अ फंगस। तो फंगस जो है उसकी माइसीलियम ग्रोथ की वजह से ये व्हाइटिश सा आपको नजर आएगा एंड दिस इज अ मम्मीफाइड लार्वा विच इज डाइड ड्यू टू द मस्कटाइन डिजीज। सो ये जो मम्मीफाइड लार्वा है, अगर इस तरह के लार्वा आपको अपने क्रॉप में नजर आ रहे हैं तो आपने ये समझ जाना है कि द सिल्क मॉथ आर अफेक्टेड बाय द मस्कटाइन डिजीज। नाउ द नेक्स्ट इज द पेब्राइन डिजीज। द पेब्राइन डिजीज इज कॉज बाय अ प्रोटोजोन होस्ट एंड द नेम ऑफ द प्रोटोजोन होस्ट इज द नोजेमा बॉम्बिसिस। दिस इज द डायग्राम गिवन इन योर बुक शोइंग द डायग्राम ऑफ द नोजेमा बॉम्बिसिस। नाउ नोजेमा बॉम्बिसिस इज, ये कैसे पहुंचता है, दिस इज ये जो है आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन है, यानी कि इसकी जो ट्रांसमिशन है दैट इज हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन मींस कि अगर एक जनरेशन अफेक्टेड है तो दूसरी जनरेशन में ये डिजीज जो है वो पहुंचने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अफेक्टेड मदर विल ले द एग्स विच विल हैव द नोजेमा इन इट, ठीक है, और नोजेमा जो है वो बहुत हार्मफुल है, इट किल्स द 100% ऑफ द सिल्क वर्म्स हैस्ट आफ्टर द इन्फेक्टेड एग्स। Right now, what are the different symptoms? The when the silkworm they get affected by the Pebrine disease, they show irregular hatching of the eggs. Eggs की जो regular particular period होता है उसमें hatching नहीं होती, आगे भी जो hatching होती है, larva का size भी जो है वो भी irregular हो जाएगा, skin wrinkled हो जाएगी and black paper like spots appear on the body. ये देख रहे हैं आप, ये आपको larva दिखाया गया, इसके ऊपर black से spots नजर आ रहे हैं। So these black spots they show the presence of the this protozoan host that is the Nosema bombesis. Sorry. Now next is your table which shows the pest of the mulberry trees. तो बेटा ये ध्यान रखना कि कई बार हमसे पूछा होता है कि give the pest of the मलबरी प्लांट, तो हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे पेस्ट उठा के लिख देते हैं जो हमारे सिल्क वर्म के होते हैं और हमारा सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और जीरो नंबर मिलता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमने कि जो चीज पूछी जाती है वही आपने आंसर करना है। ध्यान से देखा करें क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है। नाउ मलबरी ट्रीज, अभी हमने देखा कि अगर हमारे मलबरी ट्रीज भी अगर अफेक्टेड हो तो वो डिजीज जो है वो इजिली ट्रांसमिट हो जाता है आपके जो सिल्क मॉथ्स हैं, ठीक है, तो हमें मलबरी प्लांट को भी जो हमारा जो क्रॉप है उसे भी हमें ध्यान से देखना होता है। सो मेनी डिजीज एंड मेनी पेस्ट आर ऑल्सो कंसर्न विद द मलबरी ट्रीज। सो फर्स्ट कमिंग टू द पेस्ट ऑफ द मलबरी ट्रीज, फर्स्ट इज द पिंक मीली बग। ये इसके सारे डैमेज के दिए हैं कि डैमेज कैसे होता है, उसकी बंची टॉप्स जो है वो चेंज हो जाती है, लीव्स के अपेयरेंस चेंज हो जाती है, वो डार्क ग्रीन कलर के हो जाते हैं, रिंकल्स से उसके जो है वो लीव्स हो जाते हैं, शॉर्ट इंटरनोडल डिस्टेंसेस रहता है, और ये इसके कंट्रोल मेजर्स दिए हैं। तो बेटा ये आपने पूरे एज इट इज लर्न करना है, ये टेबल ऑफ फॉर्म में लर्न करना है। नेक्स्ट इज द पपाया मेलीबग एंड द थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज आर ऑल्सो देयर एंड जैसिड्स एंड द लास्ट इज योर स्केल इंसेक्ट। सो बोथ द निम्स एंड द एडल्ट्स ऑफ द स्केल इंसेक्ट दे टेक द सैप ऑफ द प्लांट। तो जब पेस्ट की जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी अगर आपके प्लांट्स के ऊपर हो जाएगी तो वो प्लांट की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी को जो है इफेक्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे आपने जो है वो लर्न करने हैं। और नेक्स्ट पेज पे जो है वो इनके डायग्राम्स दिए गए, दीज आर द डायग्राम्स ऑफ द डिफरेंट पेस्ट ऑफ द मलबरी प्लांट। दिस इज द डायग्राम ऑफ द पिंक मिली बग, दिज आर द थ्रिप्स, दीज आर द जैसिड्स एंड दीज आर द व्हाइट फ्लाई। ये व्हाइट फ्लाई तो बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा घरों में भी सिट्रस प्लांट के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ये कई बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट आर द डिजीजेस विच आर कंसर्न विद द मलबरी ट्रीज। डिजीजेस आर लाइक लीफ स्पॉट, लीफ स्पॉट इज अ फंगल डिजीज विच इज कॉज बाय द सर्कोस्पोरा मोरिकोला। और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके कंट्रोल मेजर्स ये आपने लर्न करने। नेक्स्ट इज द लीफ रस्ट, दिस इज अगेन अ फंगल डिजीज। नेक्स्ट इज योर पाउडरी माइल्ड्यू,
अगेन अ फंगल डिजीज. मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर कॉल्ड बाय द फंगस. ठीक है, जैसे एक आपका ये आ गया बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, तो दिस इज कॉल्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एज द सुडोमोनास और द ज़ैंथोमोनास. उसके बाद आ गया आपका रूट नॉट. रूट नॉट इज कॉज्ड बाय अ नेमेटोड कॉल्ड एज द मेलेडोकाइने. और इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स हैं येलोइंग ऑफ द लीव्स. और ये इसके सारे के सारे आगे कंट्रोल मेजर दैट वी कैन यूज द नीम ऑयल केक्स नियर द रूट सो दैट द नेमेटोड. नेमेटोड्स आपने पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, नेमेटोड्स जो है वो इससे दूर भाग जाते हैं. ऐसे नेक्स्ट आपका रूट नॉट है, इट इज अगेन कॉज बाय द रेजोकोटिना विच इज अ फंगस. तो दिस टेबल्स दैट शोज द डिफरेंट डिजीजेस ऑफ द मलबरी प्लांट. नाउ ये जो है ये आपका जो हमने ऊजी फ्लाई पहले पढ़ा उसी का टेबलर फॉर्म में दिया है. उसके नेक्स्ट पेज पे आपको जो है आपका डर्मास्टिड बीटल्स, जो भी हमने पहले डिजीजेस पढ़े या हमने जो भी डिजीजेस पढ़े, या ये आ गया आपका डिजीज का टेबल और ये आ गया आपका पेस्ट का टेबल. तो इसमें पूरा टेबलर फॉर्म में दिया है. तो बेटा जब हमने ये लेसन पढ़ना है, जब हम इसको याद करेंगे, तो पहले हम टेबल ये बनाएंगे. ठीक है, सो आप ही इस चैप्टर की असाइनमेंट भी रहेगी कि आपने सारे के सारे टेबल्स जो है अपनी असाइनमेंट कॉपी में नोट करने हैं और अच्छे से इसको लर्न करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस चैप्टर आल्सो कम्स टू एन एंड. इतना ही आपका चैप्टर है ये, इसका डाटा आपने अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.